और पढ़ाई के समय है ना एक ये भी हो जाता है ना, साइकोलॉजिकल बिल्ड हो जाता है जिसको न्यूरोप्लास्टिसिटी बोलते हैं, कि जैसे ही आप माइंड को ये सिग्नल दे रहे हैं कि देखो हम ऐसा कर रहा हूँ, मतलब हमको काफी हाईली कंसंट्रेट और फोकस होकर अभी इस चीज को करना है, तो ऑटोमेटिकली उस तरह का सिग्नल जाती है और फिर हमारा एक माइंडसेट बन जाता है। पढ़ाई में कंसंट्रेशन और फोकस का काफ़ी ही इम्पोर्टेंस है। बिना कंसंट्रेशन और फोकस का पढ़ने का कोई ज़्यादा औचित्य नहीं बनता है, क्योंकि कंसंट्रेशन और फोकस रहती है तो हम में अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, समझ बढ़ती है उस टॉपिक्स को लेकर। यदि हम में अंडरस्टैंडिंग होती है तब उस चीज़ों को ज़्यादा लंबे समय तक मेमोराइज कर पाते हैं। यदि हम लंबे समय तक मेमोराइज याद रख पाते हैं तो उसको हम अच्छे तरीके से रिकॉल कर पाते हैं, और एग्ज़ाम के लिए क्या चाहिए, रिकॉल ही तो चाहिए है ना। यदि सही समय पर उस चीज़ का यदि हम रिकॉल नहीं कर पाते, याद नहीं रख पाते हैं, तो ऑब्वियसली हम उसमें अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो आज हम एक बहुत ही सिंपल 11 सेकंड का एक एक्सरसाइज सीखेंगे है ना, जो कि मैं आज से लगभग 10 साल पहले एक आर्ट ऑफ लिविंग के वर्कशॉप में सीखा था। ये मुझे काफ़ी यूजफुल और काफ़ी ही अच्छी तरकीब लगती है ना, इंस्टेंट कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करने के लिए। इसमें करना क्या होता है, इसमें करना विशेष कुछ नहीं है, सिंपल। आप जहाँ पे भी जिस भी तरीके से आप बैठे हों है ना, जैसे पढ़ाई करने के लिए चेयर पे बैठे हैं तो चेयर पे ही, बेड पे बैठे हैं तो बेड पे, जमीन पे बैठे हैं तो जमीन पे, तो कहीं पे भी आप बैठे हो, बस आप एक रिलैक्स पोजीशन में बैठ जाएं और अपने कमर को सीधी रखें है ना, रिलैक्स पोजीशन में बैठ जाएं, या खड़ा है तो खड़ा भी चलेगा है ना, मतलब कोई आवश्यक नहीं है, बस आप रिलैक्स रहें और कंफर्टेबल रहें और अपनी कमर रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें। अब क्या करना है, अपने दोनों हाथों को पैर के ऊपर लाना है ना, हथेली आकाश की ओर ऊपर की ओर रहेगा। अब दोनों हाथों को कमर से पैरेलल करते हुए आगे की ओर लाएं। अब आपको ये फील करना है कि जो भी आप श्वास ले रहे हैं, जो दोनों हाथ को आगे करने पे जो जगह बना, आप उसी से केवल श्वास माने हवा को ले रहे हैं, माने उतना ही हवा को ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं है ना। यह प्रक्रिया 7 बार, 11 बार, 15 बार आप आवश्यकता अनुसार, समय अनुसार कर सकते हैं। ये करने के बाद आपको पुनः रिलैक्स हो जाना है। एक हाथ को अपने पैर पे ही रहने दें, दूसरे हाथ को आगे की ओर लाएं और अपने नाक के सीध में और दोनों भौहों के बीचों बीच श्वास लेते हुए ऊपर करें, श्वास छोड़ते हुए नीचे करें। सिंपल है, श्वास लेते हुए ऊपर करें, श्वास छोड़ते हुए नीचे करें है ना। यह भी आप 5 बार, 7 बार, 11 बार, 15 बार जो भी आपकी आवश्यकता हो ये कर सकते हैं। इंस्टेंट आप देखेंगे कि ये दोनों प्रक्रिया करने के बाद आपका कंसंट्रेशन अचानक से बहुत ही ज़्यादा है ना, एक पीक दिखेगा, एक हाइप दिखेगा, एक लगेगा कि काफ़ी रिलैक्स हो गया हूँ, और है ना एक ऑटोमेटिकली जो एक इवेंट शुरू का जो रेजिस्टेंस होता है शुरुआत करने के लिए है ना, पढ़ाई के लिए या फिर जो भी कार्य के लिए, तो ये काफ़ी आपको रेजिस्टेंस कम दिखेगा और ऑटोमेटिकली आप कीन टू है ना उस चीज़ को करने के लिए ज़्यादा उत्सुक हो जाएंगे। और इसको करने में मुश्किल से है ना 10 सेकेंड, 20 सेकेंड है ना, जैसे 15 15 बार कर रहे तो 30 सेकेंड हार्डली लगेंगे। अब इसमें एक और पार्ट है कि यदि मान लेते हैं कि आप कहीं जैसे एग्जाम हॉल में हैं या फिर कहीं ऐसे जगह पे हैं जहाँ पे आप पूरी बढ़िया तरीके से नहीं कर पाते हैं, तो आप केवल दूसरे पार्ट को भी कर सकते हैं। दूसरे पार्ट का क्या मतलब हुआ कि जो फर्स्ट वाला पार्ट था कि आप ए ज्यूम करते हुए कि श्वास को है ना उसी पोर्शन से सोचते हुए लेना है और छोड़ना है, उसको आप स्किप करके केवल एक हाथ को है ना सीधा है ना, जापानीज में लोग जैसे नमस्ते या फिर ग्रीटिंग्स भी ऐसे करते हैं, तो सिंपल एक हाथ को आगे की ओर लाएं और दूसरा है ना अपने नाक के बीचों बीच और दोनों भौहों के बीचों बीच है ना ऊपर करें, सांस लेते हुए सांस छोड़ते हुए नीचे करें है ना। आंखें को बंद भी रख सकते, यकीन मानिए बहुत ही आपको इंस्टेंट कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करने में काफ़ी मदद करेगी। इसको एक तरह से एंकरिंग मेथड बोलते हैं, तो ये एक अलग टॉपिक हो जाती है। तो ये वाकई में बहुत ही अच्छा और मुझे तो काफ़ी ज़बरदस्त लगता है, और मैं कई सालों से इसको प्रैक्टिस करते आ रहा हूँ। और पढ़ाई के समय है ना एक ये भी हो जाता है ना, साइकोलॉजिकल बिल्ड हो जाता है जिसको न्यूरोप्लास्टिसिटी बोलते हैं, कि जैसे ही आप माइंड को ये सिग्नल दे रहे हैं कि देखो हम ऐसा कर रहा हूँ, मतलब हमको काफ़ी हाईली कंसंट्रेट और फोकस होकर अब इस चीज़ को करना है, तो ऑटोमेटिकली उस तरह का सिग्नल जाती है और फिर हमारा एक माइंडसेट बन जाता है। तो ये इसके पीछे का ओवरऑल लॉजिक है। तो आप ये प्रयोग करके देखिए, कमेंट में बताइए कि कैसा था। तो ये 11 सेकेंड का एक्सरसाइज मतलब बहुत ही चमत्कारी हो सकता है। तो यदि आपके पास समय नहीं है तो केवल दूसरे वाले पार्ट को भी आप कर सकते हैं ना, उसका भी उतना ही एडवांटेज मिलेगा। और खास करके एग्जाम देते समय है ना, जैसे आप एग्जाम देने के लिए गए हैं ना, तो एग्जाम शुरू करने के पहले आप इसको करिए। जब भी आप कंसंट्रेशन लो फील कर रहे हैं ना, एंजाइटी फील कर रहे हैं, डिप्रेस फील कर रहे हैं, इस एक्सरसाइज को आप कर सकते हैं। जब भी आप पढ़ने के लिए बैठे इसको जरूर करें है ना। तो बस इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।